चलिए जी, तो आज का हमारा बेटा नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है कि आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ऑड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो कि हल्का फुल्का आपको आता है, बिल्कुल बेसिक सा, एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी के चार हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है आने वाले लेक्चर्स के। ठीक है, या गुड इवनिंग गौरिका। ठीक है, चलिए भाई। तो यार कोई बता सकता है मुझे कि ओड और इवन फंक्शन क्या होता है? एनीवन, कोई भी, कोई बता सकता है क्या भाई ओड और इवन फंक्शन क्या होते हैं? अरे अगर जितना आता है उतना बताओ भाई। रिलेशन बिटवीन ऑड रिलेशन बिटवीन ऑड एंड इवन। ना ना ना, मैं पूछ रहा हूँ ये ओड और इवन फंक्शन क्या है। एक बार वो फंक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है रिलेशन तो हो गई है, क्योंकि फंक्शन रिलेशन का सबसेट होता है। लेकिन ओड और इवन फंक्शन पहचानते कैसे? जैसे ऑन टू और इनटू हम पहचानना सीख गए थे, तो ऐसे ओड और इवन फंक्शन किसी को आता है पहचानते कि कैसे पहचानते होंगे? हाँ जी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कोई बता रहा था? नहीं बता रहा था, चलिए कोई बात नहीं। देखो, बेसिकली ओड फंक्शन वो है जो कि उल्टी कर देता है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या है? जो पचा लेता है। अब सर क्या उल्टी कर देता है और क्या पचा लेता है? तो बेटा माइनस, वहां पर अगर हम डाले किसी ओड फंक्शन में, तो ओड फंक्शन उसको पचा नहीं पाता, वो बाहर कर देता है, उल्टी कर देता है। उल्टी कर देता है मतलब सर, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपने एक्स की जगह उसमें माइनस एक्स डाल दिया। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो ये क्या करेगा सर? उल्टी करेगा। तो सर उल्टी किसकी करेगा? तो बेटा माइनस दिया था तो माइनस की उल्टी करेगा, तो वो माइनस उठ के बाहर आ जाता है उसका। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर आपको ऐसा दिखे तो वो कौन सा फंक्शन होगा? अरे कौन सा फंक्शन होगा? ऑड ऑड फंक्शन। तो सर अब इवन फंक्शन पचा लेता है मतलब वो अगर उसके अंदर हम माइनस डालेंगे तो पचा लेगा, पचा लेगा मतलब वो बाहर नहीं फेंकेगा। बिल्कुल, जैसे कि कोई इवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आप एक्स को माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहे हो तो वो क्या करेगा ना, उसको पचा लेगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो बेटा वही है कि इफ ए फंक्शन इज सच, जो भी ये फलाना ढिकाना, व्हेनेवर एक्स इन इट्स डोमेन। हाँ, बस ये बात जरूर अच्छी है कि यहाँ पर एक्स जो है उसका डोमेन होना चाहिए, एंड माइनस एक्स भी उसका डोमेन होना चाहिए। ये बातें बहुत ज्यादा है भाई, जैसे कि आपके पास लॉग एक्स है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर लॉग ऑफ माइनस एक्स डाल सकते हो? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? भाई यहाँ पर मुझे बताओ कि लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? अरे इनपुट के ऊपर कुछ कंडीशन बताई थी मैंने, इनपुट और बेस के ऊपर। तो इनपुट की कंडीशन क्या थी? अरे इसका तो हमने ग्राफ भी बनाया भाई। अरे बोलो, एनीवन? सब भूल भाल गए हो क्या यार तुम लोग? अरे लॉग में जो इनपुट रहता है उस पे कंडीशन क्या रहती थी? से 0 से बड़ा। हाँ बिल्कुल, 0 से बड़ा। इतना डरते क्यों भाई तुम? ये जो है एक्स, उसको आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो भाई अगर अब हमारा यहाँ पर एक्स वही है, तो अगर अब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो क्या ये पॉसिबल है? सर, नहीं है ना, तो ये नॉट पॉसिबल है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा अब आप क्या करोगे कि माइनस एक्स पॉजिटिव करोगे, मतलब एक्स नेगेटिव हो जाएगा आपका, है ना? तो यस अगर सर। हमारा कोई एक्स पॉजिटिव है तो ये तो हम ले सकते, लेकिन अगर हमारा एक्स नेगेटिव हो गया तो क्या ये वाला फंक्शन एक्सेप्ट करेगा उसको? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। तो
तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। इसी वजह से यहाँ पर ये है कि जो उसका इनपुट है वो एक्स जो है वो उसके डोमेन में होना चाहिए, और ऐसे ही माइनस एक्स भी उसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ यस गया। ओके, तो सर। बेटा देखो यहाँ पर इसको हमने क्या दिया कि एक्स की जगह माइनस एक्स का डोज दिया, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये पचा लेगा, मतलब ये माइनस आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, क्लियर। और यस वहीं अगर एक आप ऑड फंक्शन की बात करेंगे तो अगर उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ खा पी लिया, तो वो माइनस बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्लियर यस सर। है भाई। ओके, तो जल्दी से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं हम कि लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका साइन एक्स है। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ गुड पर एक्स को माइनस से इवनिंग रिप्लेस, या गुड इवनिंग बेटा, बड़ी जल्दी आ गए आप। सर, आपने टाइम चेंज किया था। मैसेज देखा करो भाई, अभी जस्ट मैंने चालू ही किया है। वैसे बस ऑड इवन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया है। और मेरे फादर हाँ का जी, फोन है, वो बाहर रहते हैं तो मेरे को पता नहीं चलता है मैसेज का, तो तो बेटा ठीक आप में लग। 6 बजे वाली क्लास कैसे करी फिर आपने? सर क्या बोला? 6 बजे केमिस्ट्री की क्लास थी ना आपकी, फिर यस सर। वो कैसे करी आपने? सर वो लिंक भेज देते हैं ना इस फोन में फिर। अच्छा, ओके। तो बेटा वो लिंक नहीं भेजते होंगे, वो पूरा पूरा मैसेज कॉपी करके भेजते होंगे, आपको फॉरवर्ड कर देते होंगे, बट आपने देखा नहीं। आपने कि चलो ठीक है, डेली 8:30 बजे ज्वाइन करते हैं, आज भी 8:30 बजे ज्वाइन करें। नहीं सर, उन्होंने आपने ऊपर लिखा था ना 8:30 से 9:30, तो मैंने वही देखा, आगे उन्होंने भेजा ही नहीं कुछ है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे मैंने खास स्टार्ट नहीं किया है, मैंने वही बताया है कि अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन उल्टी कर देता है, मतलब अगर एक्स की जगह माइनस डाल देते हैं उसमें माइनस एक्स, तो माइनस बाहर फेंक देता है। और बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये इसने माइनस बाहर करके भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन माइनस को पचा लेता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमने जस्ट उसी के एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि अगर अब यहाँ पर हम एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं तो क्या होगा भाई, साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन के अगर अंदर माइनस होता है तो वो यस क्या करता है भाई, माइनस बाहर फेंक देता है। यस yes, है ना। सर। तो ये क्या हो गया माइनस बेटा, भाई देखो साइन सर, एक्स ओल्ड हो गया। बिल्कुल, ये साइन एक्स क्या लिया था हमने, एफ ऑफ एक्स लिया था। ऐसा दिख रहा है ना कि एक्स के मतलब हमने एक्स के माइनस एक्स डाला, लाइक माइनस दिया उसको, लेकिन वो माइनस उसने उल्टी कर दिया। उल्टी कर दिया मतलब ये ऑड फंक्शन है। यस सर। क्लियर है। ऐसे ही जैसे कि अगर हम यस दूसरा एग्जांपल देखें हमारा, कि भाई एफ ऑफ एक्स आपके पास है लेट सपोज कोस एक्स, ठीक, आपने फिर से कारस्तानी करी, एक्स को माइनस एक्स से दिया। ठीक है भाई, जैसे कि आप ट्रेन में गए, ठीक है, कोई आपने किसी इधर उधर वाले से कुछ खाने पीने का सामान ले लिया, उसने कुछ उल्टा सीधा सामान दे दिया, तो कोई अगर नहीं पचा पाता तो वो उल्टी करके बेहोश हो जाता, फिर उसका सारा सामान खत्म। और अगर कोई पचा लेता है तो क्या होगा, यस तो इसमें वैसे ही होगा कि कोस ऑफ माइनस इवन एक्स क्या होता है फंक्शन भाई, बिल्कुल कोस एक्स कोस, कोस एक्स बिल्कुल ये कोस एक्स ही हो जाता है। और कोस एक्स क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, इवन इवन फंक्शन। इवन क्लियर है, बस ये बहुत छोटी सी यस डेफिनेशन है इसकी। क्लियर है। सर। लेकिन यस सर सर। क्या ऐसा हमेशा होगा कि कोई फंक्शन या तो ओड होगा या फिर इवन होगा? नहीं बेटा, ऐसा कभी, ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर एक्स प्लस वन ले लिया, ठीक है, तो अब आप करो यहाँ पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस, तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे माइनस भी कुछ भी कर लो बेटा, जैसे कि मैंने माइनस भी बाहर ले लिया, तो ये एक्स माइनस वन बन रहा है। क्या ये एफ ऑफ एक्स या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, नो नहीं बन रहा सर। है ना, तो ये क्या है, नैनो, टाटा नैनो। सर टाटा नैनो मतलब, इसका मतलब ये होता है बेटा कि,
नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, क्लियर है? ठीक यस सर, है, तो इतना बड़े का हमने शॉर्ट ले दिया कि नैनो, ठीक है, क्लियर है? बात यस सब समझ में आई सभी लोगों को? ठीक यस है, सर, ओके, चलिए जी, ओके। सो अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉड एक्स आपका कैसा फंक्शन होता है भाई? क्या ये एक्स को खा जाता है, यस पचा सर, लेता है? बिल्कुल इवन इवन बिल्कुल सर, ये आपका इवन फंक्शन होता है, क्योंकि मोड के अंदर आप चाहे प्लस टू डालो या माइनस टू डालो, आंसर प्लस में वो प्लस ही आंसर रहेगा। हमेशा प्लस में ही आता है। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, तो ये भी कैसा हो जाएगा सर, इवन फंक्शन, क्लियर है? हाँ जी, यस सर, ओके, चलिए। जी, यस तो सर, बेटा ओड और इवन समझ में आ गया ना, किसको ओड बोलते हैं और किसको इवन बोलते हैं। हाँ, आपके साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जा रहा है तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, फिर ऑड फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है? अच्छा, यस सर, ठीक है, तो सर इसको हम ऐसे एल्जेब्रिकली सोल्व करेंगे, ग्राफिकली सोल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कैसे करेंगे बताओ। अच्छा, कोई मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है किसी को कैसे होता है? सर वेव की तरह होता यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे कुछ आता है, ओके बेटे, थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, ठीक है? चलिए, तो ये वन और ये माइनस वन, ओके। तो सर अब कैसे बताओगे आप हमें कि ये ओड है कि इवन फंक्शन है? भाई ये कौन सा फंक्शन है हमारा, साइन एक्स वाला फंक्शन है, ठीक है? तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ये ओरिजिन से जितना ऊपर है उतना ही ओरिजिन से नीचे है, मतलब जैसे कि सर अगर हम एक्स में चाहे मतलब कितनी भी डिस्टेंस पे जाएं, और अगर हमें इधर एक पॉइंट मिल रहा है, अगर हमें एक इधर पॉइंट मिल रहा है, तो अगर इतनी ही डिस्टेंस अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें एक पॉइंट जाहिर सी बात है मिलेगा, पक्के में मिलेगा, ठीक है? जैसे कि आप ओरिजिन से जो है, अरे एक सेकेंड, ओरिजिन से आप कितनी ही डिस्टेंस पर जाइए बेटा, अगर आपको राइट साइड में अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो लेफ्ट साइड भी आपको एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ओके? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, चलिए। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ओड फंक्शन होते हैं बेटा वो सिमेट्रिक होते हैं ओरिजिन के अबाउट? मतलब क्या सर, क्या सर सिमेट्रिक मतलब, किसी को पता है कि सिमेट्रिक मतलब होता क्या है? हाँ जी, किसी को पता है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? अरे सर आपने सेम केमिस्ट्री में खूब सेम, बिल्कुल हाँ, मतलब सेम ही होते हैं, या फिर सिमेट्रिक जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये सिमेट्रिक किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, कोई भी आप डायग्राम किसी का बनाते हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को आप प्रेजेंट करते हो, तो आप ऐसे नहीं बोलते कि ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट, वहां पे दो एक्सिस होती है, मैं नाम भूल गया हूँ अभी, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे कि ये आपका कोस एक्स का फंक्शन, कोस एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कोसेक्स, कोसेक्स, तो कोस एक्स जो होता है ना बेटा, आपको कहीं से दिख रहा है कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सेम है, इधर भी कैसे, कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर दिख रहा है, हमारी वाई एक्सिस हमें दिख रही है, तो सर ये वाई एक्सिस से जितना राइट साइड में है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा लेफ्ट साइड में भी है, दिख रहा यस सर, है ना?
जितना आप इधर जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो उतनी डिस्टेंस अगर आपने नेगेटिव में भी चले तो वहां पे भी आपको फोर श्योर है कि एक पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो जो ऑड फंक्शन होते हैं बेटा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? सॉरी सर, वाई एक्सिस ऑड फंक्शन बोल रहा हूँ बेटा, सर, एक्स एक्स एक्सिस नहीं बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन मतलब 0,0। ठीक है भाई। या ठीक है। चलिए, और जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वाई एक्सिस। बिल्कुल। ओके सर, कुछ और एग्जांपल बता दो। ठीक है बेटा, और एग्जांपल ले लो। अच्छा, मोड एक्स का ग्राफ पता है? क्या यस होता है मोड एक्स का? सर, अभी वी। अभी बिल्कुल। ये आपका वी शेप का ग्राफ बन गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये जितना वाई एक्सिस से इधर है, राइट साइड में है, उतना ही लेफ्ट साइड में भी है यस सर। ना? लाइक आपको ऐसा लग रहा है ना कि वाई एक्सिस एज ए लाइक मिरर काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस तो सर। ये कैसा फंक्शन होगा? ये इवन फंक्शन होगा, है ना? अच्छा। जैसे कि मैं और अगर कुछ बताऊं, जैसे कि एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं हम बनाते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है सर? ये ऊपर से ऐसे ही ऊपर हो जाता है और ऐसे नीचे भी, नीचे से भी नीचे ग्राफ। ओके ओके। तो अब यहाँ पर भी दिख रहा है बेटा आप लोगों की, ये एक्स से लाइक 0,0 से जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी आ रहा है। हाँ है ना? यस सर। मतलब सर अगर हम यहाँ फंक्शन से किसी डिस्टेंस पर जाते हैं, एक्स एक्स डिस्टेंस जाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, तो क्या सर हमें उतनी डिस्टेंस पीछे जाने पर भी एक पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यस क्लियर है? सर। ओके। एंड इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसकी मिरर इमेज ये बनती है। मतलब जैसे कि अगर ये पॉइंट क्या है, लेट सपोज ये पॉइंट है आपका 2,3, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई बताओ? ये इसके सर बिल्कुल थ्री पीछे। कॉमा टू हाँ जी, थ्री कॉमा टू सर थ्री नहीं 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 माइनस कॉमा अच्छा एक एक -2,3। थ्री वेरी गुड, -2,3 होगा। क्यों सर? क्योंकि सर बेटा देखो, ये हाइट तो दोनों की एक्स सेम है, हाइट दोनों की सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना आप एक्स में जाते हो, अगर आपको एक पॉइंट मिलता है राइट साइड में, तो अगर उतने ही एक्स पे अगर आप जाओगे तो फोर श्योर है कि आपको वो पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो बेटा यस ऐसे सर। ये मिरर इमेज बना के देगा। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे है 3, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर 4 है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? -3 -4 वेरी -3,4 गुड। बिल्कुल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों प्लस के रहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स आपका माइनस होगा और वाई प्लस में होगा, राइट? और यस थर्ड सर। में क्या होगा, यस दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। सर। एंड फोर्थ में क्या होगा बेटा? सर और वाई नेगेटिव। बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिव होते हैं सर, और दोनों नेगेटिव। बिल्कुल। नेगेटिव। तो मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि इवन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड में होता है और ऑड फंक्शन फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो सर? क्योंकि जहां तक मुझे इवन फंक्शन दिख रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड में दिख रहे हैं, और जो ऑड फंक्शन दिख रहे हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड में दिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा नहीं, हमेशा मतलब ठीक है ये होता है, जनरली होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। क्यों सर, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? तो बेटा आपको यहीं पर दिख जाएगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, कॉस में ये वाला पॉइंट क्या होता है भाई?
माइनस वन कब आता है? यस सर। कोस में माइनस वन कब आता है? पाई। सर 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। तो सर ये पॉइंट हो जाएगा आपका पाई कोमा माइनस वन। तो सर इसकी मिरर इमेज तो ये दिख रही है मुझे, बिल्कुल यही दिख रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है? माइनस पाई कोमा माइनस। तो बेटा बिल्कुल, तो जो इवन फंक्शन होते हैं उसमें हमें एक बात पकड़ में आ रही है कि y का पॉइंट तो सेम रहता है लेकिन x का पॉइंट जस्ट नेगेटिव हो जाता है। हाँ है ना? यस सर। yes, है ना? यस सर। एंड ओड में क्या होता है सर? ओड में ऐसा होता है भाई देखो यहाँ 3.4 था, यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस के थे, यहाँ पे दोनों माइनस पे हो गए। लेकिन अगर अब मैं ये यहाँ पर ये पॉइंट ले लूं साइन में, ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये माइनस वन हो रहा है यहाँ पे, तो कौन कहाँ पर होता है साइन में? माइनस वन कहाँ आता है? 3π/2 वेरी गुड। पाई बाई टू पे तो बेटा प्लस वन आता है, ये पाई बाई टू पे प्लस वन दे रहा है, 3π/2 पे माइनस वन देता है। एंड बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये भी माइनस वन दे रहा है, हाँ जी बेटा, माइनस थ्री पाई बाई टू बेटा ये यहाँ पर। बट आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इसका इमेज है क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं है। तो सर आप कैसे लिख रहे हो? मैं वही चेक कर रहा था, कोई तो बताए मुझे गलत। भाई देखो यहाँ पे आप x से कितना डिस्टेंस चले जब आके यहाँ पे पहुंचे होंगे 3π/2, तो आपको लेफ्ट साइड में भी उतना ही जाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप ऐसे चलोगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो ऐसे चलोगे ना, तो यहाँ पर आपको इधर मिलेगा वो पॉइंट। क्लियर है? यस है ना? तो ये वाला आपका पॉइंट होगा इसका, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई? माइनस का 3π/2 + 1 बेटा ऊपर प्लस वन होता है। तो सर हमें ये बात समझ में आई कि सर ओड फंक्शन अगर होता है तो लाइक अगर आपने एक्स पुट किया है ना, तो उसका जो पॉइंट होगा, जो उसका लाइक उतनी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसमें आप सभी के साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में था, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में हो गया, और इधर वाई कोऑर्डिनेट माइनस में था, उधर जाके वाई कोऑर्डिनेट प्लस हो गया। क्लियर है? यस सर। है ना? तो ओड में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में पॉइंट होता है उसके जो लाइक साइंस होते हैं उससे जस्ट आप इंटर लाइक अपोजिट साइन लिख दीजिए, ठीक है? लेकिन इवन में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? इसमें सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके चलिए ठीक है। तो एक स्पेशल नोट है कि इफ ए फंक्शन f of x is defined as f of a plus x is equal to f of a minus x. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि there is a function which is defined as f of a plus x is equal to f of a minus x, तो क्या होगा कि ये जो function होगा ना बेटा, वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा? लाइन x इक्वल टू a के। अच्छा ओके, तो सर यहां पर मुझे दिख रहा है कि f of a plus x इक्वल टू f of a माइनस एक्स, दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। तो सर ये f of x की जो है सिमेट्रिक अबाउट किसके किसके सिमेट्रिक होगा? सर x इक्वल टू वन, क्योंकि सर यहाँ पर मुझे a की जगह वन दिख रहा है। हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? अच्छा सर, लेकिन सर यहाँ पर तो कुछ पूरा काम तमाम कर दिया आपने, तो भाई इसको भी करने का एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया सर? तो ध्यान से देखना इधर, तो भाई इधर देखो कि
आप चाहे ओड फंक्शन लो या फिर इवन फंक्शन लो, ठीक है? यस सर। जैसे कि हमने कोसेक्स लिया था, ठीक है, तो कोसेक्स जो लिया था इसमें ये किसके अबाउट सिमेट्रिक आ रहा था? वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के, बिल्कुल। लेकिन सर अगर मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, माइनस पाई कोमा माइनस वन एंड पाई कोमा माइनस वन, तो ये दोनों पॉइंट जो है लाइक मैं इस पॉइंट की किस में इमेज लूं कि मुझे दूसरा मिल जाए, या फिर अगर ये यहाँ पे बेटा पूरा वाई एक्सिस है ना, आप ऐसे समझ लीजिए, आप इतना अंदर मत जाइए। देखो पूरी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होता है? जीरो। बिल्कुल। और अगर ये अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कौन सी लाइन होगी भाई? पूरी माइनस वन लाइन होगी ना, वाई इक्वल टू माइनस वन आया ना, तो जीरो कोमा माइनस वन लाइन आ गई, हाँ है ना, क्लियर है? बिल्कुल। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये जो दोनों पॉइंट है इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, जीरो कोमा माइनस वन। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो है जीरो कोमा माइनस वन के अबाउट सिमेट्रिक है, हाँ है ना, क्लियर है? मतलब सर जीरो कोमा माइनस वन से अगर मैं पाई डिस्टेंस इधर जाऊं तो मुझे पाई कोमा माइनस वन मिलेगा, और जीरो कोमा माइनस वन से मैं लेफ्ट साइड जाऊं तो मुझे माइनस पाई कोमा माइनस वन पॉइंट मिलेगा, क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ओके, तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो जीरो कोमा माइनस वन है ये जो है मिड पॉइंट होगा? कितने लोगों को बात समझ में आई? जो आप बोल रहे हो जीरो कोमा माइनस वन ये पाई कोमा माइनस वन और माइनस पाई कोमा माइनस वन का मिड पॉइंट है, आया ना, है क्या? यस सर। भाई देखो आप मिड पॉइंट कैसे निकालते सर, कोई बताएगा मुझे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 + x2 / 2। भाई एवरेज ले लो, इतना क्यों याद रखना, एवरेज ले लो सर। एवरेज कैसे लेते हैं सर? जितने भी नंबर है उन सभी को एड कर दो, डिवाइड बाई उतने नंबर लिख दो जितने की नंबर है, लाइक कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो सर मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स तो दो है, तो नीचे डिवाइड बाई टू कर दिया, ऊपर में क्या करूंगा माइनस पाई प्लस पाई कर दूंगा, हाँ है ना, क्लियर है? तो ये क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई क्या आएगा, माइनस वन प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो ये वापस से माइनस वन आएगा, हाँ है ना, क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, ओके। तो क्या सर ऐसा ओड फंक्शन में भी होता है? बिल्कुल होता है सर। आपके पास बेटा यहाँ पर कौन सा पॉइंट था साइन एक्स में? 3π/2 - -1 - 1। और ये वाला पॉइंट कौन सा था? -3π/2 - +1। अच्छा, तो बेटा इस ये दोनों पॉइंट किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 0,0 के। बेटा 0,0 कैसे आया होगा? तो ये वापस सर ऐड कर दो आप, मिड पॉइंट इसका 0,0। बिल्कुल। तो बेटा -3π/2 और +3π/2 कितना होता है? 0। 1 + -1 कितना होगा? 0। तो मिड पॉइंट आ गया 0,0। आया ना? Yes, है। तो बेटा ये जो दोनों पॉइंट हैं ये 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक हैं, बिल्कुल हैं सर, क्लियर हुई बात, हाँ है ना? यस सर। ओके, तो सर यहाँ पर तो आपने देख लिया सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1, यहाँ कैसे देखोगे? तो सर क्या मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ मिड पॉइंट? लगा दो सर। क्या लगाओगे? 2 + x + 4 - x / 2। तो ये कितना जाएगा बेटा, कितना जाएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ओके, तो अगर ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा ये? x इक्वल टू 3 के अबाउट ये सिमेट्रिक आ जाएगा, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर।
यस सर यस सर ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? यस यस सर। अच्छा तो yes, इसका बताओ फटाफट से, फिर ये थर्ड वाले का, थर्ड वाला बताओ फटाफट से, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? जल्दी बताओ। सो फोर सर टू, भाई टू के इक्वल होगा ना भाई, एवरेज लेना है भाई, एवरेज लेना है। यहाँ पर भी हमने एवरेज लिया है कि नहीं लिया है? टू प्लस एक्स, फोर माइनस एक्स, दोनों का एवरेज ले लिया, क्या आया? थ्री। यहाँ पर भी वन प्लस एक्स, थ्री माइनस, दोनों का एवरेज ले लो, टू। क्लियर आया ना? यस सर। यस सर। क्या सर यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बताओ कितना आएगा यहाँ पे? थ्री। बिल्कुल थ्री। क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ गया? तो बेटा ये सिमेट्रिक है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ये लाइन x इक्वल टू थ्री के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी लाइन x इक्वल टू टू के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है? ये सारी लाइनें हैं बेटा, ओके? तो सर इसका कोई और मेथड भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। भाई देखो इधर, f of 2 plus x is equal to f of 4 minus x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 को ऐसे लिख दिया मैंने 3 minus 1 plus x, और 4 को मैंने लिख दिया 3 plus 1 minus x, ऐसे लिख सकता हूं? कोई मारेगा नहीं मुझे? No, sir. Okay. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 3 minus, फिर उसके बाद 1 minus x, और इधर लिख दिया मैंने f of 3 plus 1 minus x, ऐसे लिख सकता हूँ? Yes sir. Clear है? Okay. तो बेटा वापस ऐसे दिख गया ना कि आप 1 minus x को t लिख दो, 1 minus x को थोड़ी देर के लिए t लिख दो, तो क्या होगा? f of 3 minus t is equal to f of 3 plus t. तो बेटा यहाँ पर किसके अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा ये? थ्री के, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू थ्री। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके चलिए जी, तो ऐसे आप सारे जो है इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है? यस। अच्छा मुझे फटाफट से इसमें बता, लगा के बताओ, आपके पास 30 सेकंड्स है, जल्दी करो। हाँ जी भाई, कोई सोच पाया है? हेलो अरे भाई बोलो, किसी ने ट्राई किया है?
किसी ने किया है ट्राई? ट्राई तो किया। हाँ जी बेटा बोलो क्या किया। बेटा आपका मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर थ्री माइनस थ्री माइनस एक्स लिया और आगे लिया इज टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या लिया है दूसरी साइड में? थ्री थ्री प्लस थ्री माइनस एक्स। बिल्कुल वेरी गुड। तो यही होगा भाई कि यहाँ पर आप थ्री माइनस एक्स को फिर से टी ले लो आप बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री प्लस टी। ये फिर से वही वाला बन जाएगा कि ये एक्स इक्वल टू थ्री के अबाउट यहाँ पर जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ओके ओके चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट है हमारे पास कि ए फंक्शन में नाइदर बी ऑड नॉर इवन, ये हम देख चुके हैं राइट। अगर मैं आपको और दिखाऊं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए एक्स माइनस टू का होल क्यूब ले लेते हैं ठीक है। तो अभी आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए तो क्या आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो ये क्या होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का होल क्यूब। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, क्या ये ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है? नहीं। अरे भाई नहीं है। यस कैसे दिख रहा है यार तुम्हें? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस टू है। क्या यहाँ पर एक्स माइनस टू दिख रहा है आप लोगों को? क्या आप यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो? क्या यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा है? क्या एक्स माइनस टू दिख रहा है क्या आपको ब्रेकेट के अंदर? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये भाई ना तो ऑड फंक्शन है और ना इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन भी नहीं दिख रहा है मुझे तो ये राइट। तो ये कौन सा फंक्शन है? नैनो। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो कोई फंक्शन या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है या फिर नैनो हो सकता है। क्लियर है? ये तीन ऑप्शन है उसके पास। ठीक है ओके। फिर उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं कि इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एज इट इज मेनी वन। अच्छा जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि इवन फंक्शन सर मेनी वन फंक्शन होते हैं क्या? क्या होते हैं क्या मेनी वन फंक्शन फॉर श्योर? अरे हाँ या ना भाई बोलो, इवन फंक्शन मेनी वन होते हैं क्या? जैसे कॉस एक्स हो गया, मॉड एक्स हो गया, क्या ये इवन फंक्शन है? यस सर। यस सर। कैसे पहचानते हैं इवन फंक्शन बेटा? हाँ मतलब सॉरी, मेनी वन फंक्शन कैसे पहचानते हैं सर? एक सेकंड, एक एक करके बताइए। हाँ कौन बोल रहा है सबसे पहले? अरे बोलो। हाँ तनिका बोलो। सर जैसे जो डोमेन है उसका जो दो एलिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि दो एलिमेंट से तीर जाके एक ही को लगता है बिल्कुल, तो वो मेनी वन है। लेकिन हम ग्राफिकली कैसे देखते हैं सर? एक से ज्यादा पॉइंट को टच करना। ग्राफिकली कैसे देखेंगे? एक से ज्यादा पॉइंट को टच करना। कौन सी लाइन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? कौन सी लाइन? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इसको एक से बहुत ज्यादा बार कट कर रही है। तो ये जो है क्या, कौन सा फंक्शन है? ये मेनी वन। और जो फंक्शन मेनी वन हो जाता है या फिर इनटू हो जाता है, दोनों में से एक भी हो जाए, तो फिर सर वो बाइजेक्टिव नहीं बचता है।
ये याद है सभी लोगों को, बाइजेक्टिव है ना। तो कोई अगर फंक्शन मेनी वन हो गया तो वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, और बाइजेक्टिव का ही दूसरा नाम हमने लिखा था इन्वर्टिबल। तो जब अगर वो बाइजेक्टिव ही नहीं रहा तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। क्लियर है? इन्वर्टिबल नहीं होगा मतलब हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, अगर आपने वो डोमेन और कोडोमेन वही लिया तो। क्लियर है? ठीक है। लेकिन सर साइन एक्स में भी तो यही आ रहा था कि साइन एक्स भी जो है वो भी मेनी वन है। बिल्कुल है बेटा, लेकिन हमने यहाँ पर कमेंट किसमें किया है, सिर्फ किसमें किया है, इवन फंक्शन पे। ओड में हमने पहले लिखा था कि वो इवन सॉरी वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो मेनी वन है, लेकिन जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो क्या है, वो वन वन है। अरे हाँ ना, यस सर। क्योंकि सर अगर आप इसमें कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करते हो तो वो इस ग्राफ को एक ही जगह कट करती है। रेड कलर से आपका ग्राफ नहीं है, ठीक है, बस येलो कलर से ही ग्राफ है। ठीक है, येलो कलर से जो बनाया गया है वो ही ग्राफ है, और डैश डैश वाला भी बिल्कुल नहीं है। जो मैंने डैश डैश लाइन खींच दी है वो भी ग्राफ नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है बेटा यहाँ पर वो सिर्फ वही ग्राफ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो ओड और इवन मेनी वन भी हो सकते हैं, वन सॉरी ओड जो है वो मेनी वन भी हो सकते हैं और इवन वन वन भी हो सकते हैं, लेकिन जो इवन फंक्शन होते हैं वो फॉर श्योर क्या होते हैं, मेनी वन, राइट। क्योंकि आप कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करो वो उसको दो जगह कट करेगी। क्लियर है? आया ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एज इट इज मेनी वन फंक्शन। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड एवरी ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ये तो सर हमने पढ़ लिया है, आया ना? कर लिया है ना ये तो, कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है एंड जो है ओड फंक्शन क्या होता है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल बताना जरा कि ये कौन सा फंक्शन है। ई टू द पावर एक्स का ग्राफ सभी को याद हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो जिसको नहीं पता है ई टू द पावर एक्स का ग्राफ? सर कब पास हो? थोड़े से अच्छे से बने नहीं आई थिंक सो। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट इसी तरीके का आपका ग्राफ होता है। हाँ जी, तो ये किसका ग्राफ है आपका बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का, याद है? मैं ई टू द पावर एक्स बोल दिया था पहले, सो सॉरी, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक है क्या किसी के अबाउट? मुझे बताइए कि क्या आप बता सकते हो कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है या फिर ये सिमेट्रिक नहीं है, और अगर सिमेट्रिक है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, बताइए। एक सेकंड बेटा, हाँ जी बेटा, किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस के। पक्का? भाई अगर क्या ये वाई एक्सिस के जो राइट साइड में उतना वैसा का वैसे लेफ्ट साइड में है क्या? नो सर। नो
तो फिर भाई ये सिमेट्रिक कैसे हुआ वाई एक्सिस के? भाई अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता ना तो ये ऐसे बनता सर, जैसे हमने मॉडल का बनाया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये फिर ऐसा बनता बेटा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये कुछ ऐसा बनता, रेड वाला बनता ना कि ग्रीन वाला, ठीक है। लेकिन ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा फंक्शन हुआ सर? ये नैनो फंक्शन हुआ, क्योंकि ये ना तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके अच्छा, कुछ और इसके, अच्छा अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन लू मैं तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ये लेट सपोज मैंने ले ली y इक्वल टू टू लाइन, क्या ये सिमेट्रिक है बेटा? क्या ये सिमेट्रिक है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल है सर। अरे इतना डरते क्यों? ये इवन फंक्शन है क्योंकि ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है? वाई एक्सिस। बिल्कुल वाई एक्सिस के, क्योंकि सर ये वाई एक्सिस से जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, ठीक है। क्लियर है? अभी क्लियर हुआ सिमेट्रिसिटी वाला क्या फंडा होता है? भाई ये तो सिमेट्रिसिटी वाला का प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ किया है वहां पर, हमने इमेज बना बना के किया है पूरा काम। चलिए ठीक है, फोर्थ वाला नोट देखते हैं हम अभी। एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन इट्स डोमेन, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके डोमेन में माइनस एक्स वाला होना चाहिए, ठीक है, उसके डोमेन में माइनस वैल्यूज होनी चाहिए। व्हेनेवर एक्स इन व्हेनेवर एक्स इज इन इट्स डोमेन, मतलब उसके जो एक्स और माइनस एक्स दोनों है वो डोमेन में होना चाहिए। जैसे कि अगर प्लस वन है तो माइनस वन भी होना चाहिए, माइनस वन है माइनस टू है तो प्लस टू भी होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, तो सर ये क्या कर रखा है आपने, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से समझाइए। तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अच्छे से समझ लो, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? अरे जल्दी yes. बोलो yes. बिल्कुल yes, सर आपने टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सर, और क्या ही किया आपने, कर सकते हो। अच्छा तो भाई ये जो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? यस सर बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि आपके पास ऊपर टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ माइनस एक्स एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो वो आपस में कट जाएंगे, क्लियर है, आया ना? Yes, तो अल्टीमेटली आपने क्या लिख रखा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वही लिखा हुआ है, आया ना? Yes, f of x plus yes, f of minus x upon 2 plus f of x minus f of minus x upon 2, ये यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? Yes, ये लिख कैसे रखा हूं मैं? ओके okay. तो सर अब ये आपने यहाँ पर इवन फंक्शन लिख रखा है और ये ओड फंक्शन लिख रखा है, ये क्या है? तो बेटा लिख लो आप भाई, जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इवन फंक्शन है तो वो इवन फंक्शन क्या है भाई? जैसे कि लेट सपोज जी ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन है? अभी हम पता करना चाहते कि ये कैसा फंक्शन है, तो कैसा कैसे पता करेंगे कि ये, हाँ जी इवन है? नहीं इवन है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाते हैं कि ये इवन है कि ओड है, ये पता कैसे लगाते हैं कि ये फंक्शन इवन है और ये वाला फंक्शन ओड है, ये कैसे पता लगाते हैं?
अरे भाई बहुत सिंपल सी, अभी तक याद नहीं हुई क्या? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो सर। अगर आपके पास माइनस बच गया तो वो इवन, माइनस बाहर आ गया मतलब ओड। क्लियर है? यस सर। तो सर यहाँ पर निकाल के देखते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स लिख दिया, और माइनस एक्स की जगह लाइक एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो वापस से एफ ऑफ एक्स आ गया। तो क्या ये वापस से जी ऑफ एक्स लिखा है? यस सर। है ना, तो ये बेटा ये इसने माइनस पचा लिया ना, आया ना, ये इवन फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। ओके, तो अभी फिर से देखिए कि ये एक और ओड लाइक एक और जो फंक्शन है इसको हम h नाम देते हैं, कि h ऑफ x हमारा क्या है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x अपॉन 2। सर ये है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा, h ऑफ माइनस x क्या जाएगा, f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ, भाई माइनस x प्लस x हो जाएगा ना, आया ना? यस सर। अगर आप x की जगह माइनस x पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो अभी देखो अब क्या हुआ कि h ऑफ माइनस x जो है, भाई देखो यहां से आप माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो माइनस अगर आप बाहर ले लोगे तो f ऑफ x पहले माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा। यस सर। हाँ है ना? yes. और f ऑफ माइनस x पहले प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा। क्लियर है? yes, हाँ है ना? तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है कि आपके माइनस यहाँ लगा हुआ है और अंदर वापस से h ऑफ x ही लिखा हुआ है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? अरे हाँ है ना, तो बोलो। yes, भाई अगर आप इसके अगर बाहर माइनस लगा दोगे तो यही लिखा हुआ है ना यहाँ बाहर, हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो बेटा ये कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। क्लियर है? तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि ये फर्स्ट वाला आपका इवन है, सेकंड वाला ओड फंक्शन है। मतलब सर हम किसी भी फंक्शन को इवन प्लस ओड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसमें प्लस एक्स भी होना चाहिए डोमेन में और माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए, ये कंडीशन भूलना मत। क्लियर है? बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हमारे। चलिए जी, अच्छी बात है, एक और नोट आ गया। चलिए, तो द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड on the entire number line and even and odd at the same time, मतलब एक ऐसा function जो कि पूरी number line के ऊपर defined है और वो एक ही time पर odd भी है और even भी है, तो ऐसा function कौन सा है? One and only f of x equal to zero, मतलब x axis बेटा। देखो यहाँ पर क्या है कि f of x equal to zero आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है? अगर आप इसको x को माइनस x से भी रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, f of x equal to zero ही आएगा, आया ना? yes sir। yes sir। तो ये f of x ही है, राइट? f of माइनस x क्या है, f of x ही है। अब आप वापस से इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ जीरो, पर ये क्या बात हुई, लिख तो सकता हूँ लेकिन मैं जीरो को माइनस जीरो भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये ऐसा नहीं लिख दिया मैंने, हाँ है ना? yes, sir, क्लियर हुआ? yes, sir। तो बेटा ये ओड भी है और इवन भी है। सर इसको ग्राफिकली, बेटा ग्राफिकली तो क्या ही आपको समझ ही जाएगा कि भाई देखो वाई एक्सिस भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्रिक है, आया ना? yes, sir। है कि नहीं है? yes, sir। और बेटा ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये बिल्कुल है सर। ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ ये, आया ना? ओके, तो ये सिर्फ एक ऐसा ही फंक्शन है जो कि ओड भी है इवन भी है। तो आपके पास ऐसा आ सकता है कि देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज इवन एंड ओड एट द सेम टाइम, तो
तो आपको क्या लेना है वो फंक्शन की, वो फंक्शन एक्स एक्सिस है जिसकी लाइक इक्वेशन क्या है बेटा, वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होती है इक्वेशन, वाई इक्वल टू जीरो, और एक्स सॉरी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू जीरो, एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके चलिए, ठीक है। तो सर एक ही हमारे पास एक टेबल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखनी है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको एक भूलोगे नहीं, ठीक है। अगर बाय चांस कभी भूल भी गए तो फिर से रिवाइज करोगे, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो सभी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर? बिल्कुल। चलिए जी, देखिए तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, लाइक आपने आपके पास ये दो में एक्सपेरिमेंट करने की, कोई फंक्शन ओड हो सकता है या इवन हो सकता है, ठीक है। तो एक फंक्शन की दो पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर आपने दो फंक्शन एक साथ रख दिए तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, चार पॉसिबिलिटी हो जाएगी, राइट। कि कितने पेयर बन सकते हैं आपके पास, चार पेयर बने भाई। जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला तो उसकी लाइक रिजल्ट आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। आपको ये मत बोलना तीन है सर, सर वो खड़ा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैथ पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ओड है या इवन है कोई फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके एक फंक्शन की दो पॉसिबिलिटी, तो दोनों फंक्शन की चार पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे हमने नैनो इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। चलिए जी, तो हम क्या करेंगे उनके साथ कि एक बार उनको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। और ये क्या है सर, गो फोग। तो बेटा ये कंपोजिट फंक्शन है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि गोफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, किसी को पता है सर? हाँ जी बेटा, एक्स मतलब क्या बेटा? हाँ बेटा बोलो जी, फिर ब्रैकेट एफ। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ सर कि आपने जी में एक्स की जगह क्या डाल दिया, इनपुट एफ ऑफ एक्स डाल दिया। और ये फोक का मतलब क्या है सर, कि आपने एफ के अंदर जी ऑफ एक्स डाल दिया। बिल्कुल, और ये एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है सर, फिर कि आपने एफ के अंदर वापस से एफ ऑफ एक्स ही डाल दिया। बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो गो ऑफ एक्स और फोग एक्स, ठीक है। तो सर एक बार तो प्लस और माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। कि सर अगर दो फंक्शन ओड हैं, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो दोनों ओड रहेंगे, चाहे आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ठीक है सर, अगर कोई दो फंक्शन, दोनों फंक्शन इवन है, तो सर वो अगर उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो तब भी इवन ही रिजल्ट निकलेगा। कि एफ ऑफ एक्स, कोई आपसे पूछे कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों इवन है, तो बताओ कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये फंक्शन कौन सा है, तो बेटा वो इवन फंक्शन ही होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके और समझा देता हूँ कि भाई जैसे कि कोई दो ऑड फंक्शन बताइए मुझे, जैसे कि मेरे को एक दिमाग में आ रहा है कि साइन एक्स मेरा एक ऑड फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये भी मेरा एक ऑड फंक्शन है। yes, हाँ ना? ओके okay. तो सर अगर आप यहाँ पे f प्लस जी करोगे तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस साइन एक्स या फिर साइन एक्स प्लस एक्स आएगा? यस सर। बिल्कुल आएगा सर। तो अब यहाँ पर आप जो है x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, फिर से f ऑफ x प्लस सॉरी f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स क्या जाएगा कि भाई साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। बिल्कुल, तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता बेटा, माइनस साइन एक्स, और ये तो माइनस एक्स है ही है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स अंदर ब्रैकेट में, बाकी माइनस बाहर है। तो ये किस तरीके से फंक्शन दिख रहा है मुझे, कुछ इस तरीके से फंक्शन दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और इसमें माइनस आ गया आपका बाहर आ गया,
तो ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होता है, ये तो ओड फंक्शन की पहचान है, आया ना? तो समझना आ गया सभी लोगों को कि अगर दो फंक्शन ओड रहेंगे, अगर हम उनको एड करें या सब्ट्रैक्ट करें, बेटा आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि आप दूसरा फंक्शन ले लो कि एफ माइनस जी करके देख लो इसका, तो क्या होगा कि साइन एक्स माइनस एक्स, अभी आप अगर माइनस करोगे, थोड़ा सा इधर लेना चाहिए था, जैसे कि अगर आप यहां से एफ माइनस जी कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा कि साइन एक्स माइनस एक्स, अब आप अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी देते हो तो क्या आएगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, तो बेटा साइन ऑफ माइनस एक्स यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस और एक्स की जगह मैं माइनस एक्स डाल रहा हूं, तो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, आया ना? तो बेटा इसमें मैं अगर माइनस का बाहर निकालू तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस का रहेगा और एक्स माइनस का रहेगा, तो ये वापस से एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स में से ये माइनस बाहर निकल के आया कि नहीं आया? यस सर आया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा ना भाई, बिल्कुल यहाँ पर भी माइनस आएगा, हंड्रेड या। तो क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर, ठीक है। तो ये भी कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं दो ओड फंक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा सर, ओड या ओड ही आएगा, बिल्कुल। और अगर दो फंक्शन इवन है, अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी आप करोगे जैसे कि यहाँ पे cos x डाल दो, यहाँ पे x स्क्वायर डाल दो, cos x और mod x, माइनस को, बिल्कुल माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वैसे या तो अगर आपने स्टार्टिंग में प्लस लगाया है तो बाद में प्लस आएगा, और अगर स्टार्टिंग में माइनस लगाया है तो बाद में भी माइनस ही आएगा, क्लियर है? Yes, तो ओड फंक्शन, दो ओड फंक्शन है, अगर हम उनको एड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो ओड ही आएगा, दो इवन फंक्शन है, हम उनको एड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी इवन ही आएगा, क्लियर है? ठीक है, ओके सर, अब ओड और इवन की बात करते हैं, ठीक है सर। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ओड फंक्शन ले लिया मैंने और एक इवन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, क्योंकि आपका यू शेप बनता है, राइट, वो वाई एक्सिस से राइट साइड का जो बना है उसी का आपने इमेज ले लिया लेफ्ट साइड में, राइट, आया ना? ओके, तो f of x equal to sin x, g of x equal to x square, तो अभी आप कैलकुलेट करो प्लस वाला, क्या होगा sin x plus x square आ जाएगा, अभी आप करो वापस से x को minus x से रिप्लेस, बेटा odd even में आपको बस एक ही चीज करनी है, प्लस x को minus x से रिप्लेस करना है, तो ये क्या जाएगा f of minus x plus g of minus x equal to, डायरेक्ट लिख दू क्या यहाँ पे, minus sin x आ जाएगा, sin x, Yes, और ये प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये एफ ऑफ एक्स दिख रहा है आपको, मतलब सॉरी एफ प्लस जी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है सर, क्या ये आपको माइनस ऑफ ए प्लस जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या फंक्शन हो गया भाई, ये हो गया आपका नैनो, ठीक है, क्लियर है, आया ना? तो यहाँ पर बेटा मैंने यही लिखा हुआ है कि अगर आप कोई एक दो फंक्शन लेते हो जो कि ओड या इवन है, तो आप चाहे उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, वो नैनो फंक्शन ही रहेंगे, ठीक है, चाहे आपने पहला वाला ओड लिया हो या फिर पहला वाला इवन लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्लियर हुआ बात सभी लोगों को? तो ये लाइक फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, तो फोर्थ कॉलम तक सभी लोगों को क्लियर है, कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट है? No, sir. सभी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या बात है यार, कितना अच्छा पढ़ाता हूँ सर, कसम से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, यस सर। चलिए जी, तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला देखते हैं, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर आते हैं कि अब उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें सर, तो किसी को एकदम क्लिक हो जा रहा है कि भाई अगर अब मैं साइन एक्स और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों माइनस बाहर निकलेंगे,
दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल। तो चाहे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो सर अगर आपने दोनों ओड ले लिए ना, तो सर वो दोनों के माइनस एक होके प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इवन में तो माइनस वो बाहर निकालते ही नहीं है, तो दो इवन फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो हमेशा इवन ही रहेंगे, चाहे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन सर अगर आपने एक ओड और एक इवन ले लिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। जैसे कि हम एक बार प्लस दो हमने नंबर मल्टीप्लाई करे, दोनों नेगेटिव तो हमेशा प्लस आएगा, दोनों पॉजिटिव तो उन दोनों का मल्टीप्लाई या डिवाइड हमेशा प्लस आएगा। लेकिन अगर हमने लाइक एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, अब अगर आप उनका मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपके पास नेगेटिव साइन आता है, आया ना? यस सर। yes, yes, भाई आपने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, एक आपने और नेगेटिव नंबर ले लिया, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो नेगेटिव नंबर को हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, ओड। क्लियर है? अगर आपने भाई इस एग्जांपल से भी समझ लो कि x और एक x स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो x एक तो नेगेटिव बाहर निकालेगा और एक नेगेटिव को खा जाएगा, बचा लेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही माइनस बच रहा है, लेकिन वो माइनस बच गया ना। yes, ना बेटा समझ में आया कि एक एग्जांपल लेके बताऊं? सर एग्जांपल लेके चलिए, एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए कि हमारे पास f of x है, let's suppose x, और g of x है हमारे पास mod x, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि माइनस ऑफ f of x इंटू g of x, सॉरी माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, f of x इंटू g of x कैलकुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्या आएगा सर? तो ये आ जाएगा x इंटू mod x, ठीक। अभी आप करो x को माइनस x से रिप्लेस, तो क्या होगा भाई? सर माइनस x और मॉडुलस तो x पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल सर, मॉडुलस तो हमेशा प्लस ही रहेगा, पर ये माइनस x हमने बाहर लगा दिया, तो उसकी वजह से जो है ये ऐसा आ जाएगा कि माइनस फिर उसके बाद x इंटू मॉड x, हाँ ना? और ये क्या है सर? ये तो आपका f of x इंटू g of x हो गया। तो ये नेगेटिव उसने बाहर फेंक दिया ना, ऐसा लग रहा है ना कि कोई फंक्शन है, उसने नेगेटिव बाहर फेंक दिया, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ओड फंक्शन। क्लियर है सभी लोगों को? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम कहानी चलती है, ऐसे प्लस और माइनस की सेम कहानी चलती है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। तो दोनों ओड फंक्शन है या फिर दोनों इवन फंक्शन है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इवन, वो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। और अगर एक ओड है एक इवन है, तो उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा ओड आता है। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? सिक्स्थ कॉलम तक बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके। तो अच्छा, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप क्या करो ना, कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही मेरे पास इस वाले पेज पे, कि आप क्या करो कि माइनस को आप क्या करो, ओड ले लो, और प्लस को आप ले लो इवन ले लो, ठीक है। क्लियर है? मतलब इवन फंक्शन को बेसिकली आप प्लस ले लो और ओड को आप माइनस ले लो, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया वहां पे, ठीक है। तो अभी आप करो कि दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करो, या फिर यहाँ पे इससे इतना रिलेट नहीं कर पाओगे आप, आई थिंक से ये वाला इतना रिलेटेबल नहीं है, प्लस और माइनस वाला, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला जो है काफी काफी रिलेटेबल, क्या पूरा एकदम सही बैठ जाता है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर ले, अगर हम उनका मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों सेम साइन के हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? हाँ ना? yes, sir. तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि फिफ्थ और सिक्स्थ वाला तो आपने ये ऐसे कर लीजिए, और आई थिंक इसके लिए मुझे लाइक शॉर्ट ट्रिक बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा, हाँ है ना? yes, sir. दिमाग में बैठ गया है सभी लोगों के कि दो ऑड फंक्शन है, अगर हम उनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें वो ऑड ही रहेगा, दो इवन फंक्शन है हम उनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें वो इवन ही रहेगा, और अगर एक ऑड एक इवन ले लिया उसका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता,
आपने एक ओड ले लिया, एक इवन ले लिया, उनका लाइक समेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों नैनो आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं सेवंथ एंड एट्थ के ऊपर। ठीक है, अच्छा सर, तो सेवंथ एंड एट्थ के ऊपर क्या है कि सर एफ ऑफ एक्स ले लो आप वापस से, साइन एक्स ले लो और जी ऑफ एक्स ले लो। अभी तो पहले तो दोनों ऑड ले रहे हैं ना, ठीक है, पहले दोनों ऑड ले रहे हैं, ये आपने ले लिया भाई लेट सपोज एक्स क्यूब ले लिया, ठीक है, तो अगर आप फोग निकालते हो यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, मतलब फोग मतलब एफ के अंदर क्या डाल रहा हूं मैं, जी डाल रहा हूं भाई, जो यहाँ पर एक्स के पास रहता है ना वो इधर भी एक्स के पास रहता है, ऐसे याद रख लिया करो अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि जो एक्स के पास है वो इधर भी एक्स के पास है। ठीक है, क्लियर है? Yes, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अच्छा तो ये क्या आएगा भाई, एफ के अंदर अगर आप जी एक्स डाल रहे हो, मतलब एफ क्या है आपका साइन, तो साइन के अंदर आप क्या डाल रहे हो, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है बेटा एक्स क्यूब, तो ये फोग की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर है? Yes, आया ना? तो अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस x, भाई साइन ऑफ माइनस x, यहाँ पर आपने x की जगह माइनस x डाला तो ये आएगा, x को सिर्फ माइनस x से रिप्लेस कर दो तो माइनस x का क्यूब भी माइनस x, ये माइनस x क्यूब आ जाएगा, आया ना? यस, क्लियर है? क्योंकि x क्यूब आपका ऑड फंक्शन है तो वो माइनस को बाहर फेंक देता है, और साइन भी आपका ऑड फंक्शन है तो वो भी साइन माइनस को बाहर फेंक देगा, हाँ या ना? Yes, ये क्या आ गया भाई, माइनस ऑफ फोग एक्स आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, ये ऑड फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो yes, अगर sir. आपके पास दोनों ऑड फंक्शन है और अगर आप फोग निकाल रहे हो या फिर गोफ, फोग और गोफ दोनों में सेम आएगा कि आपके दोनों क्या आएंगे, ऑड फंक्शन आ जाएंगे अगर आपके दोनों एफ और जी दोनों ऑड फंक्शन हुए तो। क्लियर है? ओके, अच्छा सर एक ऑड और एक इवन लेके बता दो फिर, वो भी करके देख लेते हैं कि साइन एक्स हमने ये ले लिया और जी ऑफ एक्स हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर आप अबकी बार गोफ निकाल लो, वैसे गोफ और फोग में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर क्या है, अच्छा अब बताओ यहाँ पर पहले क्या लिखूं मैं, अब मुझे बताओ गोफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बताओ एक्स स्क्वायर साइन, हाँ जी एक्स स्क्वायर साइन, एक्स स्क्वायर साइन ये क्या होता है, हाँ जी बोलिए सर, साइन भाई लाइन लाइन बाय लाइन चलिए, मेरे यहाँ पे जैसे बताया था वैसे करो, आप गलती नहीं करोगे सर, एक्स स्क्वायर जी ले लेंगे पहले और उसमें फिर एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर, हाँ जी बेटा क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन के अंदर एक्स स्क्वायर या फिर पूरे साइन, हाँ साइन एक्स क्या सर, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल वेरी गुड, तो ये कैसे आया भाई, देखो आपका जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, स्क्वायर वाला फंक्शन है। ठीक है, तो भाई इसको यहाँ इनपुट तो आपका एक्स है लेकिन ये स्क्वायर वाला फंक्शन है ना, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको पहले जी लिखना है तो आप क्या करोगे, आपने ब्रैकेट लिख दिया और उसकी पावर टू लिख दी, अब जी के अंदर आपको डालना क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स है सर, तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई पॉइंट सभी लोगों को? ठीक है, अभी डाउट नहीं आएगा ना, अभी क्लियर है कि कैसे निकालते फोग गोफ? यस सर। ओके, तो अभी आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, क्या होगा, गोफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, अब अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो अल्टीमेटली लेकिन आपके पास साइन एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा, और ये क्या है गोफ है ना, और ये तो वही आ गया भाई,
माइनस को इसने बेसिकली खा गया है, खाया ना? यस सर। ये खा गया मतलब ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, क्लियर है? अच्छा जी, तो सर अब हुआ क्या हमारे साथ? तो बेटा हुआ आपके साथ ऐसा है कि अगर आपने दोनों ऑड लिए तो गोफ निकालो या फोग निकालो, वो दोनों ऑड आएंगे। अगर आपने दोनों फंक्शन इवन ले लिए तो गोफ निकालो या फोग निकालो, वो हमेशा इवन आएगा। बेसिकली इसमें सिर्फ एक ही बार ऑड आता है जब दोनों ऑड हो। अगर फो मतलब जी या एफ में से कोई भी एक अगर आपके पास इवन हो गया तो पूरा फंक्शन आपका कैसे निकलेगा, इवन फंक्शन। सर एक और एग्जांपल बताओ, ये तो आपने गोफ का तो बता दिया मुझे, फोग का और बता दो। तो बेटा यही एग्जांपल ले लो चाहे आप, अच्छा यही एग्जांपल लेके मुझे बताओ कि इसमें फोग क्या आएगा। अब मुझे बताओ फोग क्या आएगा इसमें, जल्दी बताओ। साइन एक्स साइन। हां जी बेटा साइन एक्स के। अरे 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 सर साइन एक्स के, साइन एक्स स्क्वायर मतलब साइन के अंदर एक्स स्क्वायर। यस सर। राइट, ओके वेरी गुड। तो भाई आप फोग निकाल रहे हो मतलब एफ के अंदर क्या डाल रहे हो, जी ऑफ एक्स। राइट, जी ऑफ एक्स। तो एफ क्या आपका साइन। अब इसके अंदर ऐसे भाई जब भी आप फंक्शन लिखो और आपको ऐसे कंपोजिट फंक्शन निकालने हो ना, तो आप वो फंक्शन लिख दो और उसमें एक्स को ऐसे लाइक जस्ट ब्रैकेट बना के छोड़ दो, क्योंकि वो आपका इनपुट है। उस इनपुट की जगह आपको दूसरा फंक्शन डालना है, ठीक है? तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स डालना है आपको, तो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका फोग तैयार है, क्लियर है? अब अगर आप वापस से एक्स को अगर माइनस एक्स भी कर देते हो तो क्या होगा भाई, ये वापस से माइनस गायब हो जाएगा ना, आया ना? अगर आपके पास दो फंक्शन है वो अगर दोनों ओड है तो तभी आपका फोग और गोफ दोनों ओड आएंगे, अदरवाइज सारे केसेस में आपका इवन आएगा, चाहे कोई भी दोनों में से एक आपका ओड और एक इवन हो या फिर दोनों इवन हो। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेटा ये जो टेबल है ये आ गई आपको एकदम समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको लर्न कर लेना, ठीक है? लेकिन समझ के लर्न करना, तो आप जो है ज्यादा टाइम तक याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है? और कभी ऐसा लगे कि मेरे को थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फटाक से एक नजर फेरी तो वापस से आपको एकदम याद आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो अच्छा इसके बाद क्या है हमारे पास? तो अच्छा ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करके आओगे? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो एक सेकंड, मैंने यहाँ पे शायद मार्किंग करी नहीं है, मार्किंग में कर देता हूँ, कुछ और फंक्शन में दे देता हूं आपको। ओके, तो ये पांच फंक्शन काफी है, ठीक है? ये तो आप करके लाइए, ठीक है? तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करवाना था, ये ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जीआईएफ इन्वॉल्व है, तो अगर आपको जीआईएफ का भी कुछ खास नहीं करना है इसमें, बस अपनी बेसिक कंडीशन लगाना, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है माइनस टू से टू में, उसका को डोमेन है ऑल रियल नंबर। फंक्शन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स प्लस दिस जी आई एफ, ये जी आई एफ के अंदर है जो भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी जो है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है? तो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना बेटा, ये आपका ऑड फंक्शन है, तो देन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर पी, ठीक है? आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है? थोड़ा सा ये ट्राई करना, ये थोड़ा सा अच्छा है, बस थोड़ा सा। अगर आपको एक जस्ट एक पॉइंट दिमाग में भी आ गया ना तो भी आप कर लोगे, आपको जस्ट यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लगानी है,
उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक सकता है।